Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and CN Making. This is module number 233. And the topic under discussion is the importance of being emotional. Yadra kyega being, hum, being human beings, emotion. So emotions and feelings are always with us. The thing which we have to do is basically we should be trying to control them. Now the scene making emotional perspective. वी हैव टू बी केयरफुल इमोशंस हमारे डिसीजंस को इफेक्ट और इम्पैक्ट वो कैसे कर रहे हैं उस हवाले से सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी होगी वो ये है कि डिसीजन मेकिंग इज नॉट कोल्ड प्रोसेस उसके अंदर बहुत सारा एनालिसिस बहुत सारा प्रोसीजर वो इन्वॉल्व है इंसान का जहन बहुत कुछ कैलकुलेट करता है किसी भी फैसले को करने से पहले वह प्रॉब्लम को एनालाइज करता है वो सिचुएशन को एनालाइज करता है वो कंडीशन एंड कंस्ट को एनालाइज करता है और फिर उसका एक डिसीजन उसका एक फतवा उसका एक फाइनल फैसला वो सामने आता है so process, अगर हम इसको करें, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम से लेकर आप नेक्स्ट स्टेप पर जब मूव करते हो तो यू ट्राई टू कम अपीजन क्राइटेरिया उसके बाद फिर आप के मुताबिक करने की कोशिश करते हो फिर आप फाइनल फैसला आपके सामने आता है इस सारे प्रोसेस के अंदर बहुत सी रैशनैलिटी बहुत सा रीजन और लॉजिक और कई हवालों से इंट्यूशनल परस्पेक्टिव आपकी गट फीलिंग्स ये सब कुछ इन्वॉल्व है हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स भी वो हमारे इंट्यूशन को ट्रिगर वो करते हैं एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि इमोशंस एंड फीलिंग्स आर आल्सो गोइंग तो टू कॉज एन इंपैक्ट ऑन आवर डिसीजन मेकिंग बिकॉज हमारी एसोसिएशन उस चीज के साथ क्या है हमारी एसोसिएशन में हमारा जज्बा कितना शामिल है हमें एंथजम कितना है हमारे में इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट कितनी है ये सब की सब चीजें हमारी पॉसिबिलिटीज को एवेलुएट करने में वो मदद देंगी एंड वी हैव टू बी केयरफुल कि ये सारा फिनोमिना जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों कर हो रहा है और उसकी रैशनलिटी हमारे पास क्या है अब यहां पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि हमारी जो इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं वो एक्चुअली हमें गाइड करती हैं हमारी रैशनैलिटी को लेकर चलने के लिए और हम अपने कॉन्शियस माइंड को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस भी तभी कर पाएंगे जब हमारा इंट्यूशनल फैक्टर वो ऑन हो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके बिकॉज इंट्यूशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द डिसीजन मेकिंग और कॉन्शियस माइंड को भी अपनी प्रोसेसिंग के लिए इंट्यूशन का सहारा वो लेना है ही, उसको बहुत सी चीजों के बारे में वो अनफोर्स चीजें बताएगी वो बिटवीन द लाइन क्लियर करेगी बैलेंसड कर इमोशन होना बहुत जरूरी है और बैलेंस्ड इमोशन के होने से हम अप्रोप्रियट डिसीजन मेकिंग इंट्यूशनल फैक्टर्स को यूज करते हुए वो कर सकेंगे अब इमोशन को बैलेंस करने के लिए फिर हमें दोबारा से डिस्कस करना होगा कि वी नीड टू कम अप विद इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस से हम बात को शुरू करेंगे और सेल्फ कंट्रोल की तरफ लेकर आएंगे और जब हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां से ही हमारा जो इमोशनल परस्पेक्टिव है वो डिवेलप हो पाता है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना उसमें कॉन्शियस माइंड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और कॉन्शियस माइंड जहां पर एक तरफ रैशनैलिटी को प्रोसेस कर रहा होगा वहीं पर उसको इंट्यूशनल सपोर्ट की भी जरूरत है और ये दोनों चीजें मिलकर आपको इफेक्टिव डिसीजन की तरफ वो लेकर जा सकेंगी थैंक यू